राइज एंड रेज। राइज का मतलब होता है गोज अप बाय इटसेल्फ, जो चीज खुद से ऊपर उठती है, और ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट उसके बाद सीधा आती है वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट जो कोई काम करता है उसका असर किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता। इधर रेज, रेज का मतलब होता है लिफ्ट अप, ऊपर उठाना, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट जो काम करता है उसका असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। अब ध्यान से देखिए, द सन डैश, सन जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द सन राइजेज। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, माई मदर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे आई रेज। द बेलून विल, तो द बेलून हमारा सब्जेक्ट हो गया लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर यहाँ पर हम यूज करेंगे द बेलून विल राइज। माई मदर डैश मी, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, माई मदर हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, यूज करेंगे रेज्ड मी। यू मस्ट डैश, यू मस्ट, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे को लगाना क्या चाहिए, राइज। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, यू डैश योर आईब्रोज। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।